हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 54 करोड़ को खाते में ट्रांसफर करने वाला डायमंड कारोबारी आदित्य लोढ़ा गिरफ्तार। जोधपुर में नोटबंदी के दौरान अपने गाड़ी चालक के नाम पर फर्जी खाता खोल उसमें 49 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन करने और उस पर आयकर विभाग से नोटिस आने के बाद चर्चा में आए डायमंड कारोबारी आदित्य लोढ़ा को पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला कि लोढ़ा ने ड्राइवर के नाम पर खोले इस खाते में 54 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए थे। इस प्रकरण में लोढ़ा द्वारा फर्जी साइन करने की पुष्टि भी FSL जांच में हुई है। उल्लेखनीय है कि लोढ़ा के यहाँ गत वर्ष आयकर विभाग ने भी कार्रवाई की थी जिसमें करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।